हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बालकनी में ग्रो होने वाले ऐसे 10 पौधे शेयर करूंगी जिसे कि आप आसानी से अपने बालकनी में ग्रो कर सकेंगे। अगर आपके बालकनी में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है और पूरे दिन की ब्राइट लाइट और अच्छी एरेशन होती है रहती है तो आप इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। और साथ में आपको दिखाऊंगी कि मैं खुद भी इस तरह के पौधे को मैंने अपने शेडी एरिया में, यानी आप जो देख रहे हैं ये मैंने शेड डलवाया है और इसी शेडी एरिया में मैंने रखा है और अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं वो कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें कि हम बहुत ही आसानी से अपने शेडी एरिया में रख के ग्रो कर सकते हैं, यानी आप इजीली अपनी बालकनी में ग्रो कर सकेंगे अगर आपकी बालकनी में धूप नहीं आती है तो। इसमें से फ्रेंड्स, सबसे पहला प्लांट जो है वो है ये अल्ट्रानेंथ्रा का लालसा का प्लांट। आपने ज़्यादातर देखा होगा, सभी यही बताते हैं कि लालसा का प्लांट धूप में ग्रो करना होता है। तेज़ धूप में ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होता है। ये बात सही है फ्रेंड्स कि इस प्लांट को धूप में ग्रो करना होता है, बट ऐसा नहीं है कि आप इसे शेड में ग्रो नहीं कर सकते। ये मैंने शेडी एरिया में ग्रो कर रखा है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें चल रही है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये घना और बुशी सा भी लुक ले रहा है। बट फ़र्क यही आएगा कि अगर आपको इसे मैरून कलर लेना है तो आप इसे डार्क कलर लेना है तो आप इसे तेज़ धूप में रखिए, और अगर आप इसे सिर्फ शेडी एरिया में ग्रो करेंगे और धूप बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी इस पर तो ये कुछ इस तरह से ग्रीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक्चुअल में इसका कलर जो है वो इस तरह से डार्क कलर होता है, बट धूप नहीं मिलने की वजह से ये ग्रीन हो जाता है। लेकिन आसानी से आप इस प्लांट को अपने इंडोर भी ग्रो कर सकेंगे। नेक्स्ट प्लांट फ्रेंड्स, आप स्पाइडर प्लांट ग्रो कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट वेरीगेटेड प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है। इसमें इस तरह से रनर्स निकलते हैं और जड़ों के पास से भी ढेर सारे पौधे बनते जाते हैं, तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा ये प्लांट खूबसूरत लगता है। इसे भी धूप की ज़रूरत नहीं होती है, धूप में ये प्लांट भी बर्न हो जाता है और अधिक पानी से भी ये प्लांट ख़राब होने लगता है। तो इस प्लांट को भी फ्रेंड्स आप अपने इंडोर गार्डन में लगा सकते हैं, अपने बालकनी में लगा सकते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और इसके बाद फ्रेंड्स, आप पैंडनस का प्लांट भी आप अपने इंडोर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने भी लगा रखा है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही है। इस पर धूप बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, बट यहाँ पे मेरे बहुत ही अच्छी सी ब्राइट लाइट और अच्छा एयरेशन होने की वजह से ये प्लांट मेरे काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। तो आप पैंडनस के प्लांट को भी आप ग्रो कर सकते हैं और इसे भी जड़ों के पास से ढेर सारे पौधे बनते रहते हैं। आप देख सकते हैं अभी नया पौधा एक बन रहा है, तो रूट डिवाइड करके आप ढेर सारे पौधे इन फ्यूचर बना भी सकेंगे। फिर फ्रेंड्स, आप एस्परगस का प्लांट भी लगा सकते हैं अपने इंडोर। आप देख सकते हैं मैंने भी लगा रखा है अपने हैंगिंग प्लांटर में, DIY हैंगिंग प्लांटर में। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है। जब मैंने इसे लगाया था तो ये छोटे छोटे पौधे थे और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और घना और बुशी भी होने लगा है। तो इंडोर बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है, बट अच्छी एरेशन और अच्छी सी ब्राइट लाइट होनी चाहिए, अदरवाइज प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप अपने इंडोर शेडी एरिया में स्नेक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। स्नेक प्लांट चाहे टॉल वेराइटी का हो चाहे ड्वार्फ वेराइटी का हो, बहुत ही अच्छी तरीके से इंडोर चल जाता है। बट अगर अच्छी कंडीशन में चाहते हैं तो इसे अच्छी ब्राइट लाइट और अच्छा एरेशन हो ऐसी जगह रखेंगे तो बहुत ही जल्दी जल्दी इसमें पब्स आते हैं और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी होता है। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि मैंने एक वेस्ट मटेरियल जो PVC पाइप होती है उसमें मैंने ड्वार्फ वेराइटी वाला जो सेंसिवेरिया प्लांट होता है वो मैंने लगा रखा है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। नए नए पौधे भी आप देखेंगे इसमें निकल भी रहे हैं और बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ती है और ये प्लांट अच्छी तरीके से चल रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप सॉन्ग ऑफ इंडिया को ग्रो कर सकते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया को आप देख सकते हैं मैंने शेडी एरिया में ही रखा हुआ है और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। काफ़ी बड़ा सा मेरा ये पौधा भी बन चुका है और बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है ये शेडी एरिया में। ये प्लांट फ्रेंड्स आप धूप में भी ग्रो कर सकते हैं, बट इसे शेडी एरिया में भी आप ग्रो कर सकते हैं। अच्छी ग्रोथ इसमें, बहुत अच्छी ग्रोथ अगर चाहिए तो इसमें थोड़ी हल्की फुल्की धूप पड़नी ज़रूरी होती है, उससे प्लांट थोड़ा फास्ट ग्रोथ होती है प्लांट की। अदरवाइज़ अगर धूप ना भी हो तो भी ये प्लांट अच्छी तरीके से चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आप ग्रो कर सकते हैं अपने इंडोर शेडी एरिया में, वो है फ्रेंड्स सिंगोनियम को। सिंगोनियम का प्लांट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने भी लगा रखा है और शेडी एरिया में ही मैंने लगा रखा है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है, आप देखेंगे नए नए पौधे भी इसमें ढेर सारे बनते जा रहे हैं।
तो बहुत ही आसानी से सिंगोनियम को आप लगा सकते हैं। सिंगोनियम की ढेर सारी वेराइटी आती है, एक वेराइटी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से मेरा ये प्लांट भी चल रहा है। तो सिंगोनियम को आप आसानी से अपने इंडोर लगा सकते हैं, अगर आपके इंडोर में यानी बालकनी में धूप नहीं आती है तो। फिर फ्रेंड्स आप बिना धूप में ग्रो कर सकते हैं। ये है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टैंगल हार्ट, जो कि मैंने अपने इंडोर ही प्लेस करके रखा है। पूरे दिन की ब्राइट लाइट तो ज़रूर यहाँ पर रहती है और अच्छा एरेशन भी रहता है, बट धूप नहीं पाती है, इसीलिए फिर भी ये प्लांट मेरे काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक पौधा मैंने लगा रखा है, इस पर भी धूप पूरे दिन की बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, थोड़ी बहुत भी धूप नहीं पड़ती है, फिर भी ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। तो टैंगल हार्ट को आप ग्रो कर सकते हैं अपने इंडोर, अगर आपके धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। फिर हमारे सबके फेवरेट जो है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट को बड़े ही आराम से आप बिना धूप में भी ग्रो कर सकते हैं, इसकी कोई भी वेराइटी हो। एक वेराइटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मार्बल क्वीन मनी प्लांट। यहाँ पर आप देखेंगे एक मैंने लगा रखा है, ये है गोल्डन मनी प्लांट। तो मनी प्लांट की ढेर सारी वेराइटी आती है, आप आसानी से मनी प्लांट को अपने इंडोर ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये अपने इंडोर चल भी जाता है। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स एक पौधा मैंने लगा रखा है, वो है क्रीपिंग चार्ली का प्लांट, जो कि कंप्लीट इंडोर चलता है और बहुत ही आसानी से ये पौधा आपके बालकनी में भी लग के ग्रो हो सकता है। थोड़ा सेंसिटिव टाइप प्लांट होता है, ओवर वाटरिंग से ख़राब होने लगता है, कम पानी से भी थोड़ा सूख जाता है, तो पानी का बैलेंस करके रखना होता है। अदरवाइज ये प्लांट को भी आप बड़े ही आराम से अपने बालकनी में ग्रो कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि मैंने लगा रखा है वॉन्डरिंग जीव का प्लांट। वॉन्डरिंग जीव भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे ग्रो हो रहा है और बहुत ही खूबसूरती देता है इंडोर गार्डन को, यानी बालकनी में एक अलग सा कलर भी ऐड कर देता है। आसानी से ये चल जाता है अगर पूरे दिन की ब्राइट लाइट इसे मिल जाए और अच्छा एरेशन हो ऐसी जगह। वैसे आप इस प्लांट को धूप में भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अगर लगा रखा है ढेर सारे वॉन्डरिंग जीव। एक्चुअली मैंने इसे लगाया भी नहीं था, मेरे जो लास्ट ईयर का पौधा था जो कि ड्राई होने लग गया था, तो उसे मैंने हटाया और उसे एज ए मल्चिंग की तरह मैंने इस पॉट में डाल दिया था, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी ड्राई होने लगी थी। तो वो मल्चिंग की तरह डालने पे भी ये प्लांट मेरे सारे ग्रो हो गए और आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से चल रहे हैं। हाँ, किसी फ्रेंड्स ने पूछा था कि वॉन्डरिंग जीव का प्लांट कटिंग से उनके पास ग्रो नहीं होता है, उसकी क्या वजह है और कैसे हम उसे ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान होता है वॉन्डरिंग जीव का, बस पानी का ध्यान रखना होता है, उसमें ओवर वाटरिंग ना करें। और अगर आपने कटिंग से लगाया है और अगर नहीं चल रहा है कटिंग, तो आप उसे रेत में लगा के देखिए, उसमें कोकोपीट यूज़ ना करें। मिट्टी जब तैयार करते हैं तो उसमें रेत और मिट्टी लीजिए, तब कटिंग लगाइए, देखिए 100% चलेगी। और पानी ज़्यादा ना डालें, बट फोलियज स्प्रे उसमें हल्का हल्का हमेशा करते रहिए, तो मॉइस्चर बना हुआ रहने से प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स काफ़ी सारे पौधे हमारे आसपास होते हैं, जिसे कि हम बड़े ही आराम से बड़े ही आसानी से अपने बालकनी में ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी सारी शिकायतें ऐसी होती है कि हमारे बालकनी में प्लांट ग्रो नहीं होते हैं, तो कौन से पौधे लगाएं। फ्रेंड्स बिना धूप के फूलों वाले प्लांट तो बहुत ही मुश्किल से ही सर्वाइव कर पाते हैं, बट हल्की फुल्की धूप अगर आए तो ढेर सारे फूलों वाले प्लांट भी ऐसे हैं जिन्हें कि आप अपने इंडोर ग्रो कर सकेंगे, अपने बालकनी में ग्रो कर सकेंगे। बट अगर आप फोलियज प्लांट देखें तो फोलियज प्लांट ऐसे काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जिन्हें कि हम अपने बालकनी में इंडोर ग्रो कर सकेंगे। इसको लेके काफ़ी सारा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने जितने भी पौधे अपने इंडोर यहाँ पे शेडी एरिया में लगा रखा है, इसको लेके कई सारे वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।